मध्य प्रदेश की राजनगर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार ने अजीबोगरीब अंदाज में नामांकन दाखिल किया। निर्दलीय उम्मीदवार इमरान खान प्याज और टमाटर से बनी माला पहनकर गधे पर बैठकर नामांकन के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो लोगों को ये संदेश देना चाहते कि चुनाव जीतकर विधायक बनने वाले समाज की भलाई करने के बजाय भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो विधायक बन जाते हैं, जो सांसद बन जाते हैं, जो जनप्रतिनिधि चुन जाते हैं, उसके बाद वो कोई काम नहीं करते हैं। वो भ्रष्टाचारी करते हैं, वो घूसखोरी करते हैं, वो गरीब लोगों को तंग करते हैं, वो झूठी FIRें करवाते हैं, वो गायों से परेशान है, किसान को खाद नहीं मिलता है, बीज नहीं मिलता है, वो स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं, वो रोजगार की बात नहीं करते हैं। इमरान खान का मानना है कि सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए खोखले वादे करती हैं। महंगाई आप देखिए कितनी चरम सीमा पर है। चाहे वो अभी एक माह पहले टमाटर का भाव 300 रुपए किलो था, लेकिन क्या कहते हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हम लोग रोजगार देंगे, हम लोग महंगाई कम करेंगे। कमा कर रहे हो आपकी महंगाई बढ़ा रहे हैं, ये दिन ब दिन महंगाई बढ़ा रहे हैं। इनसे शिक्षा की बात करो तो बहुत कहते हैं हमने ये 1500 रुपए तो दे दिए। कमलनाथ जी 1500 की बात करते हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं 3000 देंगे, तो मतलब आप वोट खरीद रहे हैं क्या?